अजय देवगन एक बार फिर से करने जा रहे हैं बड़ी गलती। आखिरकार अजय देवगन एज अ एक्टर तो काफ़ी सक्सेसफुल रह चुके हैं, लेकिन एज अ डायरेक्टर वो तीन फिल्मों के बाद अब कौन से फिल्मों पर करने वाले हैं बड़ी गलती। वेल, क्या है पूरी अपडेट, क्या है पूरी खबर, हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि, आप सबका स्वागत करती हूँ हमारी यूट्यूब चैनल पर। वेल, काफ़ी लंबे वक्त से अजय देवगन को बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा एक करियर हाइक मिला है, और अजय देवगन लगभग जिस भी मूवी में डायरेक्शन नहीं बल्कि एक्टिंग करते हैं वो मूवी सुपर डुपर हिट तो एटलीस्ट हो ही जाती है। लेकिन बात करें अजय देवगन के डायरेक्शन की, तो अजय देवगन को डायरेक्शन शायद सूट नहीं करता है। जी हाँ, अजय देवगन के डायरेक्शन में जितनी भी मूवी अब तक बनी है वो हर मूवी सुपर डुपर फ्लॉप ही नहीं बल्कि डिजास्टर बनकर सामने आई है। अगर हम एग्जाम्पल में यू मी एंड हम ही देख लें, शिवाय, रनवे 34, तो ये सारी फिल्मी ये सारी फिल्में जो है वो बैक टू बैक सुपर डुपर डिजास्टर बनी है। लेकिन इसके बावजूद भी एक बार फिर से अजय देवगन अपने डायरेक्शन में हाथ आजमाने जा रहे हैं। जी हाँ, डायरेक्शन एक बार फिर से करने जा रहे हैं अजय देवगन। जहाँ अजय देवगन की फिल्म भोला की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है हैदराबाद में। बात करें भोला की, तो भोला साउथ इंडस्ट्री के एक फिल्म का रीमेक होने वाला है, और इसकी कुर्सी पर यानी कि इसके डायरेक्टर की कुर्सी पर अब अजय देवगन ही बैठ चुके हैं। कास्टिंग फाइनल हो चुकी है, शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, और इस फिल्म में खुद अजय देवगन भी एक्ट करने वाले हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस रीमेक को क्या अजय देवगन अच्छे से बॉलीवुड के पर्दों पर ला पाते हैं, क्या इस बार अजय देवगन का डायरेक्शन सही डायरेक्शन में जाता है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।